आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डुप्लेक्सर के बारे में, जो कि रडार के अंदर ही एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछे जा रहे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर ये टॉपिक आ चुका है और इसी टाइप के जो बेसिक उसके कंपोनेंट्स हैं वो भी पूछे जा रहे हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके जो ब्लॉक डायग्राम है उससे समझेंगे कि आखिर वो डुप्लेक्सर होता क्या है, देन उसके बाद हम समझेंगे इसके एक सॉलिड डेफिनेशन को, ठीक, ताकि वो एग्जाम में लिखने का काम है थोड़ा, और उसके बाद इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में समझेंगे एंड देन उसके टाइप्स के बारे में, मतलब इसके टाइप्स के बारे में, ठीक। सो देखते हैं कि डुप्लेक्सर होता क्या है, ठीक ना। तो देखो ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम है, इससे पहले एक कहानी सुन दूंगा। देखो अब जो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने ये बोला था कि जैसे कि एक एंटीना होता है रडार के अंदर, ठीक, रडार के अंदर एक एंटीना, एंटीना एक ही एंटीना में ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों होते हैं। क्या बोला मैंने कि रडार के अंदर एक एंटीना होता है भैया और उसी के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। अब देखो बात यहां फंस रही थी ना कि डुप्लेक्सर लाना पड़ा, देखो कहां फंस रही थी। देखो जैसे ट्रांसमीटर का क्या काम है, ट्रांसमीटर का काम है कि रेडियो वेव्स को निकालना, वो भी बहुत फास्ट तरीके से रेडियो वेव्स को निकालता है और निकालना भी चाहिए अगर आपको रडार अच्छे तरीके से वर्क कराना है, ठीक। और रिसीवर का क्या है, जो रेडियो वेव्स जो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आएंगे उसको रिसीव करना। तो ये जो प्रोसेस है बहुत तेजी से होनी चाहिए और इस कंडीशन में, मतलब हमारे पास एक ही एंटीना है, एक ही एंटीना में हमने दोनों फिट कर रखा है, तो ये जो प्रोसेस था वो फटाफट नहीं हो पा रहा था जब तक ये खोज नहीं हुआ था। अभी बता रहा हूं मैं, ठीक ना, कि देखो मेन बात क्या है कि ट्रांसमीटर क्या करेगा, रेडियो वेव्स को निकालेगा, निकाल रहा है, देखो यहाँ पर रेडियो वेव्स को निकाल रहा है एंड यहाँ पर रेडियो वेव्स निकला और मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक ना, ये तितली मान लो, चाहे एरोप्लेन मान लो, चाहे एनाकोंडा मान लो उड़ने वाला, ठीक ना। तो ये क्या है कि आसमान में है, अब ये आसमान में है तो यहाँ पे रेडियो वेव्स इससे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा कि कुछ रेडियो वेव्स ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे, कुछ स्कैटर्ड हो जाएंगे इधर उधर, कुछ रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद यही रेडियो वेव्स क्या होगा, हमारा रिसीवर उसे एक्सेप्ट करेगा यानी रिसीव करेगा। सो ये जो प्रोसेस है बार बार होनी चाहिए, ठीक, कि क्या होगा ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स निकालेगा, जाएगा वहां पे, जाने के बाद क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद जो रिसीवर है रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद हमारे पास एक स्क्रीन होगा बड़ा सा, उसी स्क्रीन पे हमें ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब दिखाई देगी, मतलब दिखाई देगा किस आकार का क्या है हमारा, जो किस आकार का ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और ये भी पता चल जा सकता है कि कितनी दूरी पर है, ठीक। तो इस तरीके से पूरा काम करता है ये स्क्रीन, मानो इसी पर देखा जाएगा, ठीक ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, तो ये जो काम था ये फटाफट होता है, लेकिन एक ही एंटीना से कैसे पॉसिबल है कि एक ही एंटीना से हम ट्रांसमिट भी करें रेडियो वेव्स को और आए भी, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं लग पा रहा था, ठीक, कि इतने फास्टली तरीके से रेडियो वेव्स निकले भी और जो रिसीवर है हमारा रिसीव भी कर ले, तो ये पॉसिबल सा नहीं लग रहा था। उसके बाद हमारा डुप्लेक्सर आया और डुप्लेक्सर काम में आ गया हमारा, कुछ साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत की और खोज निकाला हमारा डुप्लेक्सर। देखो डुप्लेक्सर कैसे काम कैसे करता है, अब देखो यहाँ पर डुप्लेक्सर का काम क्या था, देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ट्रांसमीटर क्या करता है कि रेडियो वेव्स को निकालने का काम करता है, फटाफट फटाफट निकालने का काम करेगा, फटाफट निकालने का काम करेगा, रिसीवर क्या करेगा, वो जो रिफ्लेक्ट हुए जो रेडियो वेव्स होंगे उसे रिसीव करने का काम करेगा। तो देखो ये डुप्लेक्सर इसमें कैसे काम करता है, एक ही एंटीने में, एक ही एंटीने में हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर और डुप्लेक्सर का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। देखो तो जब अगर हमें क्या चीज रेडियो वेव्स निकालना है, ध्यान से देखना, अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि जो रेडियो वेव्स के रेडियो अगर ट्रांसमीटर से सॉरी अगर ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स को निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को ऐड कर देंगे इस तरीके से, ये ऐड हो गया, क्या हो गया, रेडियो वेव्स निकल गए, रेडियो वेव्स निकल गए, निकलने के बाद क्या करेंगे कि इसको फिर इसमें ऐड कर देंगे। अब रेडियो वेव्स वहां चला जाएगा, जाने के बाद क्या जो टकराएगा, टकराने के बाद रिसीविंग हमारा क्या कर लेगा, यहां से रिसीव कर लेगा, फिर हमें अगर मान लो रेडियो वेव्स निकालना है तो फिर हम इसे ऐड कर देंगे, फिर अगर वही रेडियो वेव्स को रिसीव करवाना है तो फिर रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद स्क्रीन पे पिक्चर बनेगा, ठीक। तो ये देखो जो प्रोसेस है जो मैं इतना आराम से बता रहा हूँ कि
ट्रांसमीटर से रेडियो वेव निकलेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ये जो प्रोसेस है बहुत ही नैनो सेकंड में होते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से होते हैं ये, कि ये फटाक से इसमें जुड़ जाएगा, फिर फटाक से इसमें जुड़ जाएगा। मतलब जैसे ट्रांसमीटर क्या चीज वेव्स रेडियो वेव्स निकालते रहेगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, रेडियो वेव्स निकाल के भैया फिर इसमें ऐड हो गया, फिर इसमें ऐड हो गया, फिर इसमें ऐड हो गया। तो मतलब फटाफट इसमें क्या होता है कि ये चेंज होते रहता है, मतलब कि कभी ट्रांसमीटर में कभी इसमें, कभी ट्रांसमीटर में कभी इसमें, कभी ट्रांसमीटर में कभी इसमें, रिसीवर में कभी ट्रांसमीटर में कभी रिसीवर में, और फटाफट रेडियो वेव्स निकल रहे हैं, और फटाफट क्या हो रहा है हमारा रिसीवर भी एक्सेप्ट कर रहा है रेडियो वेव्स को, और यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, जो भी डार्क इमेज जो भी इमेज बनेगा उसका, ठीक ना, जो भी कुछ धुंधला सा आकृति दिख जाएगी, ठीक, झलक दिख जाएगा। सो इस तरीके से पूरा ये काम करता है डुप्लेक्सर। तो आपको समझ में आ होगा किस तरीके से ये बारी 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 क्या होता है, चेंज होते रहता है, कभी ट्रांसमीटर से कभी रिसीवर से, और हमारा आसानी से पूरा का पूरा रडार सिस्टम एक ही एंटीना पे काम करता है, यानी हमें एक ही एंटीना में ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों को काम करा दिया। सो ये इसका काम है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने छोटे से डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक ना। सो चलते हैं, अब हम इसके छोटे से डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक ना। और ये जैसे भी मैंने समझाया है डेफिनेशन उसी तरीके का है, मतलब कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, एक भी वर्ड आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, जो भी हमने समझाया एकदम सेम डिटो वही लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये था। तो डेफिनेशन ये है कि वेन एवर अ सिंगल एंटीना इज यूज्ड फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, तो सिंगल एंटीना यूज किया जा रहा था किसके लिए, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग, एज इन द रडार सिस्टम में एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच मस्ट बी यूज, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज किया जाता था, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच यही है जिसे डुप्लेक्सर आप बोल रहे हो, ठीक ना, मस्ट बी यूज, और दिस टाइप ऑफ स्विचिंग इज कॉल्ड डुप्लेक्सर, और इसी टाइप के स्विचिंग को क्या कहते हैं, डुप्लेक्सर। कि कभी भी एक सिंगल एंटीना में हम क्या करें कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों प्रोसेस काम करें, तो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की जरूरत पड़ती है जो कि क्या करे दोनों में वर्क करा सके, मैंने अभी बताया किस तरीके से, और वही स्विचिंग, इस टाइप की मतलब स्विचिंग क्या कहलाती है, डुप्लेक्सर कहलाती है। सो हम इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं, ठीक, थोड़े जो बेसिक टर्म्स हमने देखने चाहिए इसके बारे में, ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसके बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स, ठीक। सो अब हम इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो लिखा है कि डुप्लेक्सर आर कंस्ट्रक्टेड इन मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मतलब इन सबों का यूज करके हम क्या चीज डुप्लेक्सर बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि तीन फॉर्म से ये डुप्लेक्सर बन सकते हैं, फर्स्ट है कि TR है एंड ATR है, ट्यूब से होते हैं ये, अभी बता रहा हूँ किस तरीके के ट्यूब्स होते हैं। तो TR ये ट्रांसमिट रिसीव, और ATR एंट्री ट्रांसमिट रिसीव, ये TR और ATR जो कि ट्रांसमिट रिसीव और एंट्री ट्रांसमिट रिसीव क्या होते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं, और ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, कि जैसे कि अगर ज़्यादा अगर आपके जो रडार है उसमें ज़्यादा अगर वोल्टेज आ जाए तो ये दोनों क्या करते हैं, मतलब कि ये जो ट्यूब्स हैं, मतलब गैस डिस्चार्ज जो ट्यूब्स हैं TR और NTR, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, और जो रडार के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उसको बचाने का काम करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन काम करते हैं, ठीक ना। ये हमारे दोनों जो ट्यूब्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर हाइब्रिड रिंग डुप्लेक्सर है, ये इससे ही बनते हैं वेव गाइड डुप्लेक्सर, जब मतलब कि इन दोनों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। हाइब्रिड रिंग डुप्लेक्सर, वेव गाइड डुप्लेक्सर, अगर जिसके सिलेबस में हो वो कमेंट करके बता सकता है, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अगला जो है ये कुछ आप बोल सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स है किसके बारे में, तो डुप्लेक्सर के बारे में ही, ठीक ना। कि लिखा है द डुप्लेक्सर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शन को क्या करता है, वो परफॉर्म करता है, जैसे पहला है कि इट कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर टू द एंटीना, ये ट्रांसमीटर को क्या चाहिए, एंटीना से कनेक्ट करता है, रियली सही बात है कि ट्रांसमीटर को हम क्या चाहिए, एंटीना से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए रहते हैं कि किस तरीके से, जब ट्रांसमीटर का हमारा काम था कि ट्रांसमीटर रेडियो वेव निकाल रहा था, तो हम ट्रांसमीटर को एंटीना से कनेक्ट कर दे रहे थे, और रिसीवर के टाइम पे हम रिसीवर से कनेक्ट कर दे रहे, तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही नैनो सेकेंड लगते हैं इस प्रोसेस को होने में,
ठीक ना। अब वही है, दूसरा यही है कि इट आल्सो कनेक्ट द रिसीवर टू द एंटीना, दोनों कनेक्ट कर रहे थे। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्या कर रहे थे, पहले ट्रांसमीटर में, फिर रिसीवर में, ट्रांसमीटर रिसीवर ऐसे करके चेंज कर दे रहे थे उसको। ठीक, तो इस तरीके से वो वर्क कर रहा था और बहुत ही फास्टली वर्क कर रहा था वो। ठीक, अब इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एवरी टाइम। और ये प्रोवाइड करता है आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब दोनों को सेपरेट करके रखता है दोनों। ठीक ना, दोनों को सेपरेट, देखो आप फिगर में भी देख रहे थे ब्लॉक डायग्राम में कि ट्रांसमीटर अलग सेपरेट था, रिसीवर अलग सेपरेट था, तो दोनों सेपरेट थे लेकिन दोनों क्या जी काम कर रहे थे, एक ही एंटीना पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे दोनों, काम कर रहे थे कि नहीं, कि ट्रांसमीटर यहाँ पर था और रिसीवर यहाँ पर था, लेकिन एंटीना हमारे पास एक ही था और एक ही एंटीना में हम दोनों को काम करा ले रहे थे, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों काम कर रहा था। किसके वजह से, तो हमारे डुप्लेक्सर के वजह से। ठीक, तो इसके वजह से आसानी से काम कर जा रहा था। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक ना, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं आज, हम आज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स को भी देखेंगे। ठीक, तो टाइप्स को देख लेते हैं, तो चलते हैं भैया। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ डुप्लेक्सर देखें तो ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक ना, तो पहला क्या है, ब्रांच डुप्लेक्सर, दूसरा है बैलेंस डुप्लेक्सर, एंड तीसरा है सर्कुलेटर डुप्लेक्सर। ठीक ना, और ये जो तीनों है, जो ब्रांच डुप्लेक्सर है इसमें टीआर और एनटीआर, ट्रांसमिट रिसीव और एंटी ट्रांसमिट रिसीव, इसमें यूज होता है और इसमें भी यूज होता है। मतलब ब्रांच और बैलेंस में टीआर एनटीआर का यूज होता है, एनटीआर में समझना, एटीआर में बोल रहा हूँ, एटीआर। ठीक ना, ट्रांसमिट ब्रांच डुप्लेक्सर और बैलेंस डुप्लेक्सर में टीआर एटीआर का यूज होता है, एनटीआर में गलत बोल रहा था, एटीआर मतलब एंटी ट्रांसमिट रिसीव और टीआर का यूज होता है इन दोनों में। ठीक ना, और जो सर्कुलेटर डुप्लेक्सर, इसमें वेव गाइड का यूज होता है, अभी मैंने बताया था वेव गाइड का। सो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं हमारे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप इस लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा। तो अगर मिला तो एक ही बात बोलूँगा, प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें, प्ले लिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ कभी जभी जो एनालिटिक्स होते हैं यूट्यूब के सेटिंग में जा करके, तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी रहते हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते। बेल आइकन को दबा दोगे तो आप ही का फायदा है, नोटिफिकेशन आप पाओगे। ठीक ना, हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप पाओगे। एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही।